दृष्टि में आज का टॉपिक है भारतीय दर्शन। इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में पहले देखते हैं प्राचीन भौतिक दर्शन कौन कौन था। प्राचीन भौतिक दर्शन में कौन कौन था जो कि आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पहले, ठीक है, उन लोगों का क्या क्या नाम था। तो पहला है उच्छेदवाद, है ना। उच्छेदवाद के प्रवर्तक रहे अजीत केश कम्बलिन। अजीत केश कम्बलिन, ओके, ये केवल याद नाम याद रखना है। उच्छेदवाद क्या था, कैसे उत्पन्न हुआ, ये दर्शन कैसे आप विकास किया, इसके बारे में कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। केवल ध्यान में रखना है उच्छेदवाद के प्रवर्तक अजीत केश कम्बलिन। अक्रियावादी के प्रवर्तक है पूरन कश्यप, ठीक है। नित्यवादी पकुद कच्चायन, नित्यवादी के पकुद कच्चायन। नियतिवादी, या इसको आजीवक भी कहा गया, नियतिवादी को ही आजीवक कहा गया। आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल। और अनिश्चयवादी के थे संजय वेठलपुत, ठीक है। तो ये पांच जो है यह प्राचीन भौतिक दर्शन है। कौन कौन सा? उच्छेदवाद, प्रवर्तक अजीत केश कम्बलिन, अक्रियावादी प्रवर्तक पूरन कश्यप, नित्यवादी प्रवर्तक पकुद कच्चायन, नियतिवादी या आजीवक प्रवर्तक मक्खली गोसाल, और अनिश्चयवादी प्रवर्तक संजय वेठलपुत। ये पांच का ध्यान में रखना है। उसके बाद आस्तिक मत, है ना। प्राचीन भारतीय आस्तिक मत जो कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला जो मत था वह कितना था? तो षडांग दर्शन। षडांग दर्शन मतलब छह दर्शन है ना। इसको षड दर्शन भी कहा जाता है, षडांग दर्शन या षड दर्शन भी कहा जाता है। ये आस्तिक मत है, यानी कि ये ईश्वर को ये मत मानता है, ओके। इसमें कौन कौन है? तो सांख्य दर्शन है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, है ना। छह दर्शन जो आस्तिक मत को मानने वाला प्राचीन भारतीय दर्शन में छह दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको उंगली पर याद रखेंगे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसको षडांग दर्शन भी कहा जाता है। उसके नास्तिक मत को मानने वाले दर्शन में हम लोग बौद्ध धर्म देख चुके हैं, जैन धर्म देख चुके हैं। तीसरा है चार्वक। चार्वक है ना, ऋषि चार्वक के नाम से चार्वक दर्शन है। ये भौतिकवादी दर्शन इसको कहा जाता है। नास्तिक मत है और भौतिकवादी दर्शन किसको कहा गया? तो बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और चार्वक दर्शन को प्राचीन भारत का भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। चार्वक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत, चार्वक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऋषि चार्वक। ऋषि चार्वक के द्वारा चार्वक दर्शन दिया गया। इसको लोकायत दर्शन इसलिए कहा गया कि लोगों के द्वारा माना गया, लोगों के द्वारा माना गया ये लोकायत दर्शन है। यह ईश्वर, यह दर्शन ईश्वर को नहीं मानता था और ये पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, है ना। ये पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है चार्वक दर्शन, जिसका दूसरा नाम लोकायत दर्शन। चार्वक दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण एक श्लोक जो आज भी चर्चे में रहता है, वह श्लोक है यावेद जीवेद, यावेद जीवेद सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावेद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत का मतलब है कि सुख से जियो, है ना, जब तक जियो सुख के साथ जियो, ऋण लेकर घी पियो, है ना। जब तक जियो सुख के साथ जियो, और पैसा नहीं है सुख के साथ जीने के लिए तो ऋण लो, कर्ज लो, लेकिन घी पियो। कहने का मतलब कि ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के जो सुख सुविधा है उसको हासिल करो, है ना। भौतिकवादी दर्शन है ये, सबसे प्रमुख भौतिकवादी दर्शन है चार्वक दर्शन, है ना। तो चार्वक दर्शन का ये श्लोक जो ध्यान में रखेंगे, यावेद जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना। चार्वक दर्शन का ही दूसरा नाम है लोकायत दर्शन। ऋषि चार्वक के द्वारा चार्वक दर्शन ये दिया गया था। यह पूरी तरह से और निश्वरवादी मत है, नास्तिक मत है,
और भौतिकवादी दर्शन है। ओके, अब इसके बाद जो षडांग दर्शन की जो हम लोग चर्चा किए थे, है ना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सांख्य दर्शन, आइए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो कपिल मुनि, है ना, कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन को दिया गया, कपिल मुनि। ओके, इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना गया, है ना। यही दर्शन जो है वह कहता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, इसी दर्शन का मत था, और यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है, और इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। कपिल मुनि की रचना तत्व समास, तत्व समास में सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किए थे कपिल मुनि। कपिल मुनि के बाद जो सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाया उसमें सबसे प्रमुख जो आचार्य का नाम आता है, उनका नाम था ईश्वर कृष्ण, है ना, जो कपिल मुनि के बाद सांख्य दर्शन के सबसे प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। इनका ग्रंथ है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण का ग्रंथ है सांख्य कारिका, जो कपिल मुनि के बाद के सबसे प्रमुख सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो पहला सांख्य दर्शन हो गया। दूसरा है योग दर्शन, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, है ना, इसी पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव पतंजलि का आयुर्वेद का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिए, है ना, पतंजलि योगपीठ। तो ये योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे, और इन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, और इसी ग्रंथ में योग दर्शन का प्रतिपादन किया। योग सूत्र किसका ग्रंथ है, पतंजलि का। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है, यानी कि ज्ञानेंद्र का, ज्ञानेंद्र और कामेंद्र का मतलब कि भोग वासना इत्यादि पर नियंत्रण ही योग मार्ग का मूल आधार है। भारत के इस दर्शन की महत्ता पूरा विश्व आज मान रही है, और इसी दर्शन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यूएनओ के द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि योग का जन्म स्थली कौन है, तो भारत है, और 21 जून को इसी योग दर्शन की महत्ता को देख करके यूएनओ के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो योग दर्शन के प्रणेता ऋषि पतंजलि। तीसरा दर्शन न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि गौतम, है ना, महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। इनके ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र, है ना, न्याय सूत्र में ये न्याय दर्शन को दिए। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है, यानी कि न्याय दर्शन का के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम, और इनके ग्रंथ का नाम था न्याय सूत्र। ओके, 12वीं सदी में न्याय दर्शन को एक नया रूप दिए थे। न्याय दर्शन के आचार्य थे गंगेश उपाध्याय, है ना, गंगेश उपाध्याय ने 12वीं सदी में न्याय दर्शन को एक नए रूप में दुनिया के सामने लाए, और उस आचार्य का नाम था गंगेश उपाध्याय। इनके ग्रंथ का नाम था तत्व चिंतामणि। ओके, तो ये जो है ये आपका न्याय दर्शन है, जिसके प्रतिपादक हैं आपका महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ओके, अब आते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ऋषि कनाद, है ना, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन दिया गया। इन्होंने कनाद सूत्र नामक ग्रंथ में वैशेषिक दर्शन को दिया। इन्होंने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचना करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। हम लोग परमाणुवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं कि डाल्टन के द्वारा परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया, ठीक है, लेकिन हमारे देश में ही ऋषि थे कनाद, जो प्राचीन काल में ही परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। इनको कह सकते हैं कि विश्व के पहले ये रसायन शास्त्री थे, विश्व के पहले
ये रसायन शास्त्री थे ऋषि कनाद, हमारे देश के थे, भारत के थे ऋषि कनाद, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया और इसी दर्शन में इन्होंने परमाणुवाद की स्थापना की थी। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कनाद याद रखना है, ओके। इसके बाद मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन जो है वह कर्मकांड यज्ञ आधारित इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम आता, आचार्य जैमिनी है ना। ये दर्शन जो है कर्मकांड पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि को ज्यादा प्राथमिकता देता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार जो है वेदों में कही गई बातें सदा सत्य है, यह पुरोहितवाद ब्रह्म आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। यानी कि इस दर्शन में पूजा पाठ यानी कर्म कांड यज्ञ इत्यादि को प्राथमिकता दिया और यह दर्शन वेद में कही गई बातों का समर्थन किया, यह पुरोहितवाद का समर्थन किया और जो हमारे धर्म में जो आडंबर है उसका भी समर्थन करता है मीमांसा दर्शन, जिसके प्रतिपादक हैं आचार्य जैमिनी, इसके प्रतिपादक हैं, ओके। तो यह है मीमांसा दर्शन, दूसरा ध्यान में रखना है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक आचार्य जैमिनी। इसके बाद है वेदांत दर्शन, जिसका दूसरा नाम उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन का ही दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक हैं ऋषि वादरायन। ऋषि वादरायन के द्वारा वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किया गया। ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र। और इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऋषि वादरायन है ना। इसका दूसरा नाम उत्तर मीमांसा है या वेदांत दर्शन है ना। बाद में इसी वेदांत दर्शन को जो है 9वीं सदी में और 12वीं सदी में दो प्रमुख आचार्य हुए जो वेदांत दर्शन यानी कि उत्तर मीमांसा को और ज्यादा विकसित किए थे। 9वीं सदी के जो आचार्य थे वह शंकराचार्य हुए और 12वीं सदी के आचार्य थे रामानुज। इनके द्वारा जो है वेदांत दर्शन को और ज्यादा विकसित किया गया और इनके कारण जो है वेदांत दर्शन दुनिया भर में फैल गया था। तो वेदांत पर आधारित जो है 9वीं सदी या 12वीं सदी के समय में और कौन कौन से दार्शनिक हुए जो वेदांत दर्शन को एक व्यापक स्वरूप प्रदान किए थे? तो सबसे पहला नाम आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य है ना जो है वह दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था और ये 8वीं से 9वीं सदी के रहे और इन्होंने वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद दर्शन इनकी ग्रंथ का नाम था शंकर भाष्य। शंकर भाष्य नामक ग्रंथ में इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकर भाष्य ध्यान में रखेंगे 9वीं सदी के सब वेदांत दर्शन के सबसे बड़े अगर आचार्य की नाम अगर हम बात करेंगे तो कौन थे? शंकराचार्य। इनका जन्म केरल के कलाडी नामक स्थान में हुआ था और इनके ग्रंथ का नाम है शंकर भाष्य। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। इनका कार्यकाल काल जो था वह 11वीं से 12वीं सदी। इन्होंने वेदांत दर्शन में विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। विशिष्टाद्वैतवाद ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। इन्होंने श्री भाष नामक ग्रंथ की रचना की थी, श्री भाष, ओके। तीसरे जो आचार्य का नाम आता है वह माधवाचार्य। माधवाचार्य का काल 13वीं से 14वीं सदी। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है ना। द्वैतवाद में विशिष्ट जोड़ दीजिए तो विशिष्टाद्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य। चौथे जो आचार्य थे वे वल्लभाचार्य। चौथे आचार्य का नाम था वल्लभाचार्य। ये 15वीं से 16वीं सदी में हुए वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। द्वैतवाद में शुद्ध जोड़ दिए तो शुद्धाद्वैतवाद
है ना, इन्होंने अनुभास नामक ग्रंथ की रचना की थी। अनुभास नामक ग्रंथ की रचना की थी वल्लभाचार्य, जिनका काल था 15वीं से 16वीं सदी, और इन्होंने शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। चौथे जो आचार्य का नाम आता है वह थे निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य के द्वारा वेदांत दर्शन के तहत भेदा भेदवाद, भेदा भेदवाद का दर्शन दिया गया। तो पांच जो है 9वीं से लेकर आपको 16वीं सदी के बीच में वेदांत दर्शन के अंतर्गत पांच आचार्य प्रमुख रूप से हुए। उनका नाम ध्यान में रखना है, काल ध्यान में रखना है, और उन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था उसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है शंकराचार्य, जो 9वीं सदी में हुए। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य के द्वारा क्या दिया गया, तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। माध्वाचार्य के द्वारा क्या दिया गया, तो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। शंकराचार्य अद्वैतवाद, माध्वाचार्य द्वैतवाद। वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। और निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य के द्वारा भेद भेदा भेदवाद का सिद्धांत दिया गया। और इन्होंने निम्बकाचार्य के, निम्बकाचार्य के ने जो है वह आपको शनकादिक, शनकादिक नामक एक संप्रदाय, शनकादिक, शनकादिक नामक एक संप्रदाय को भी चलाया था, है ना, जो भेदा भेदवाद के दर्शन को मानता था। उस संप्रदाय का नाम था शनकादिक संप्रदाय। कौन चलाया था, तो निम्बकाचार्य के द्वारा चलाया गया था। इनका काल 13वीं सदी में हुए थे। ओके, तो ये हो गया आपका जो है भारतीय दर्शन से संबंधित बहुत ही प्रमुख चैप्टर है। अक्सर इस चैप्टर को लोग छोड़ देते हैं, या बहुत सारे पुस्तकों में आपको इससे संबंधित उतनी जानकारी नहीं मिलती है, लोग छोड़ देते हैं। और इससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसलिए हम देख करके लगा हमें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोगों के लाए भारतीय दर्शन का। ओके, अब अगले क्लास में जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वह देख लीजिए, वह है शैव धर्म और वैष्णव धर्म। हम लोग जो है वह बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पहले ही स्टडी कर चुके हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। हम लोग अब शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये अक्सर लोग जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में शैव धर्म का विकास कैसे हुआ था, वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ था, इसको लोग छोड़ देते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम उन्हीं सब टॉपिक को पहले उठा रहे हैं जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, है ना, उस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग इसको भी ध्यान में रख करके पढ़ना है। प्राचीन भारत को एक एक टॉपिक को देखना है, तो ये सब को भी छोड़ना नहीं है। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो है हम लोग का अगला क्लास होगा, शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इसको आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। और आपको बता दें कि 67 BPSC दिसंबर या जनवरी में होने वाला है, उसका हम BPSC PT ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच तो चल ही रहा है, ऑफलाइन बैच चल ही रहा है, ऑफलाइन में ही एक क्रैश कोर्स का बैच शुरू करेंगे। ऑफलाइन में ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों में से जो भी आपके मित्र या कोई भी बंधु होंगे, जो जान पहचान के होंगे, आपके माध्यम से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ऑफलाइन में 1 मंथ का क्रैश कोर्स चलेगा क्लास, और ऑनलाइन में भी 1 मंथ का क्रैश कोर्स चलेगा 67 BPSC को टारगेट करते हुए। इसमें करंट अफेयर, बिहार स्पेशल विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, और जो मेजर टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो जो आपके जान पहचान के मित्र हो, बंधु हो, कोई भी हो, उनको ये बात आप लोग बता देंगे।